हरियाणा में संत कबीर साहब जी के 621वें प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर झज्जर शहर में संत कबीर साहब जी की विशाल शोभा यात्रा संत इंद्रमणि साहब जी के परम सेवक संत सुरेंद्र दास महाराज जी की देखरेख में सत्य प्रचार सेवा समिति द्वारा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। यह शोभा यात्रा सुबह 10 बजे से सतपंथ आश्रम से प्रारंभ होकर शहर के भगत सिंह चौक, चिकारा चौक, अंबेडकर चौक, छारागुल्ली, दिल्ली गेट, सिलानी गेट, छावनी से होते हुए शाम को वापस आश्रम पहुंची, जहां पर शाम को भंडारा व रात्रि में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार के बैंड बाजों व सत्संगी पार्टियों के द्वारा संत कबीर साहब जी की वाणियों का गुणगान किया गया। वहीं शोभा यात्रा में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा समेत देश विदेश के कबीरपंथी साधु संत एवं संत संगियों ने हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा में हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, पूर्व मंत्री कांता देवी ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल जी ने सभी संत साहब को 621वें के प्रकट दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि संत कबीर साहब जी की वाणियों सभी जीवों का कल्याण करने वाली है। संत कबीर साहब जी की शिक्षाओं को सभी ने अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और पूर्व मंत्री कांता देवी जी ने सभी संत कबीर प्रकट दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि संत परामर्श के लिए जो संसार में आते हैं और संत कबीर साहब जी की वाणियां सभी जीवों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर संत कबीर साहब जी की वाणियों को अमल में लाया जाए तो सभी प्रकार का झगड़ा मिट सकता है। इस अवसर पर सभी सत्संगी भाइयों ने भाई बहनों को संबोधित करते हुए संत इंद्रमणि साहब जी के परम सेवक संत सुरेंद्र दास महाराज जी ने बताया कि कुल का मालिक एक सत साहब है। संत कबीर साहब जी ने सत की पूजा कराई। संत कबीर साहब जी की वाणियां शांति देने वाली हैं। सभी जीवों को संत कबीर साहब जी की वाणियों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। संत सुरेंद्र दास महाराज जी ने बताया कि संत कबीर साहब जी ने संत इंद्रमणि साहब जी को 26 जनवरी 1956 को दर्शन दिया था और सत की भक्ति करने को कहा था। संत इंद्रमणि साहब जी ने अपना पूरा जीवन सत सिद्धांत में बिताया और सभी जीवों को सत्य मार्ग पर लगाया है। इस अवसर पर सत प्रचार सेवा समिति मीडिया प्रभारी उमेश सत साहब ने सभी सत्संगी भाई बहनों एवं शहरवासियों का धन्यवाद किया। उमेश सत साहब ने बताया कि सत प्रचार की सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य संत कबीर साहब जी की वाणियों को जन जन तक पहुंचाकर विश्व में शांति स्थापित करना है। सत प्रचार सेवा समिति सहित समय समय पर देश पर विदेश पर अनेक सत्संग कार्यक्रम आयोजित करती है। यहाँ पे संत कबीर साहब जी के 621वें प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे थे, सभी लोग सत्संगी बड़े चाव से इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं मीठे पानी का, मैं काफी समय से देख रहा हूँ मीठे पानी का यहाँ पे प्रबंध किया गया है। तो इनका हम TV1 इंडिया न्यूज की तरफ से धन्यवाद करते हैं। साथ में इनके विचार जानना चाहते हैं कि इनको कैसा लग रहा है आज का ये प्रोग्राम हो रहा है और क्या इनका संदेश है। बड़ी खुशी महसूस हो रही है, हर साल की बात ही हम यहाँ अपनी ये शोभा यात्रा निकालते हैं और अपनी धर्मशाला में यहाँ भंडारा करते हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है, बहुत बहुत मन शब्द नहीं है जो हम बयान कर सके। अच्छा। बहुत बहुत ठीक है। झज्जर शहर में यहाँ पे संत कबीर साहब जी के 621वें प्रकट दिवस पे विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ सत्संगी भाई बहन हैं, उनसे भी विचार जानना चाहेंगे वो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, कि उनको कितनी खुशी महसूस हो रही है और उनके उनके विचार जानना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? परमानंद। तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, कितने साल से महाराज जी के साथ में इस सत्संग कार्यक्रम? महाराज जी के साथ में 20 साल से, 20-25 साल से, और बहुत ही सत साहेब आज मैं पहुंचा हूं झज्जर शहर में। यहां पे सतगुरु कबीर साहब जी के 621वें प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ सत्संगी माता बहनें, उनसे विचार जानना चाहेंगे उनको कैसा लग रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है। साथ में उनसे विचार जानना चाहेंगे कि वो कितने साल से यहाँ इस सत्संग प्रोग्राम में आ रहे हैं और कब कब यहाँ पे प्रोग्राम होता है। सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है? सत साहेब जी, सभी को सत साहेब। मेरा नाम प्रीति है, हम झज्जर से। आज कबीर प्रकट दिवस है, 621वां कबीर प्रकट दिवस। यहाँ पे सभी सत्संग भाई लोग आए हुए हैं, बड़ी दूर दूर से सत्संगी आते हैं, यहाँ से राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, सभी जगह से। आज बड़ा ही खुशी का दिन है, ये सबसे बड़ा महोत्सव है हमारे लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। आज हमारे त्यौहार जैसा सभी लोग यहाँ मनाते हैं और जो कबीर साहब हैं उन्होंने
सत का झंडा फहराया है। सत साहेब उन्होंने सत का प्रचार किया है और जो झज्जर में इंद्रमणि महाराज जी है उन्होंने इस प्रचार प्रसार प्रसार को चलाए रखा है। जो सत का हमें ऐलान करते हैं, जो सत के बारे में बताते हैं, सत साहेब आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जी सत साहेब यहाँ की सत को अपनाए, सत प्रचार के लिए, सत के बिना जीव का कोई मुक्ति नहीं है। सबसे बढ़कर सब कुछ झूठा है। सत ही एक ऐसा है कि भाई संसार में जीव को उबार सकता है। सत को बजे बिना मुक्ति नहीं है जीव की। हाँ, सत साहेब निज मूल है, बाकी है जिंजाल, जो इसका ध्यान ना धरे उसको खागा काल। सत साहेब हम तो सब इसी यही प्रार्थना करते हैं कि भाई सब सत के इसके झंडे के नीचे आए, सत के नीचे झंडे के नीचे। सत साहेब पंजाब से आए। का नाम? मेरा नाम विजय कुमार, सत प्रचार सेवा समिति के पंजाब से सदस्य है। मैं सौभाग्य मानता हूँ कि 621वां प्रगट दिवस की मैं हरियाणा वासियों को लख लख बधाई देता हूँ और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि जो गुरु महाराज जी का 621वें प्रगट दिवस पे मेरे को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सर आप कब आए हो? मैं जी आज सुबह आया था, 9 बजे के तकरीबन। तो आप अकेले आए हो सर या आपके साथ पूरी फैमिली? मैं जी परिवार समेत आया हूँ पंजाब से। पंजाब से पूरी फैमिली के साथ आए? जी। तो सर आप पंजाब से चलकर हरियाणा में क्यों? क्या आपके पंजाब में कबीर जयंती नहीं निकलती? वहाँ निकलती है जी, बहुत ज़्यादा सालाना प्रोग्राम किया जाता है, पर जो विशेष प्रोग्राम झज्जर के अंदर गुरु महाराज की दया से होता है वो एक निराला ही, एक अलग ही अनुभव है। अच्छा सर, जैसे कबीर साहब की जगह मैंने देखा है ट्रोलियों के अंदर नानू नानक साहब की, पलटू साहब की, दादू साहब की, नाना प्रकार की झांकियां हैं, तो आप सर ये देखकर इनको कैसा अपने आप को फील कर रहे हैं? क्या आप उनसे सीखते हैं? क्या आप झांकी देखने के लिए आए हैं? क्या उन चीज़ों को आप अपने अमल में भी लें? मैं ये देख के बहुत महसूस फख्र करता हूँ कि ऐसा हिंदुस्तान में जो झज्जर हरियाणा के अंदर प्रोग्राम हुआ है मैंने कभी कहीं भी कभी नहीं देखा। अच्छा सर, थैंक यू सर बहुत बहुत। मैं सुनील कुमार, इंडिया टीवी झज्जर से, और मेरे साथ कैमरामैन अपने सोनी जी पंजाब से, थैंक यू। मैं भी एक बार सत प्रचार सेवा समिति पंजाब की तरफ से इस प्रोग्राम की लख लख बधाई और सत्साह भाई बहुत बहुत। झज्जर शहर में यहाँ पे संत गुरु कबीर साहब जी के 621वें प्रकट दिवस के उस शुभ अवसर पर यहाँ पे विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे हम सुबह से देख पा रहे थे सारे सत्संगी पूरे भारत से पहुँचे हैं, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, और सभी लोगों में भाव और एक सतगुरु कबीर साहब के प्रति जो समर्पण था वो देखने लायक था। और मैंने भी यहाँ पे आज आके बड़ी खुशी महसूस की, मेरे को भी यहाँ पे आने का मौका मिला। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे साखी पाठ का आयोजन चल रहा है, यहाँ पे सतगुरु संत कबीर साखी ग्रंथ अखंड पाठ की झांकी पेश की गई है जिसमें अखंड पाठ चल रहा है। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा साखी पाठ का भी दिखाया जाए। सत साहेब भैया इधर दिखा दे, उधर दिखा थोड़ा। सतगुरु कबीर साहब जी का 621वां प्रकट दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, साथ में विशाल शोभा यात्रा दिन में निकाली गई। तो पूर्व शिक्षा मंत्री जी गीता बुकल जी हैं, हम इनका सत्य प्रचार सेवा समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ में टीवी वन इंडिया न्यूज़ की तरफ से स्टेट हेड उमेश कुमार, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ये प्रोग्राम में पहुँची है। और इनसे कुछ जानना चाहेंगे, जैसे आज हम देख पा रहे थे सुबह से ही जो है मंत्री जी हमारे साथ में थी, इनको कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगा, इनके विचार जानना चाहेंगे। और जो आज पूरे दिन उन्होंने सत्संग कार्यक्रम अटेंड किया और अब भी शब्दवाणी सुनी, तो इनका क्या कहना है बताइए। देखिए, जब भी संत महात्माओं के विचार सुनते हैं, उनके दोहे सुनते हैं, उनके वचन सुनते हैं, अपने जीवन में उसको उतारने का भी पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे महाराज जी हैं जो कि शब्दवाणी कहेंगे। अभी भी यहाँ पर आने के बाद जो है हमने इस सत्संग में बैठ के जो शब्द सुने हैं, जो दोहे सुने हैं, उनसे जीवन जो है सार्थक होता है। आज जहाँ शोभा यात्रा रही, शोभा यात्रा में भी सभी देवियों ने, सज्जनों ने, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से भाग लिया। और उसके साथ साथ आज जो कबीरदास जी का प्रकाश उत्सव है,
जो उनका हम लोग 621वां प्रकाश उत्सव न केवल आज झज्जर में, हरियाणा में, पूरे देश और दुनिया में अच्छे ढंग से मना रहे हैं, तो गुरुओं का, संतों का, महात्माओं का आज के समय में अति आवश्यक है। समाज में जो फैल रही बुराइयां हैं उनको हम लोग बैठकर उस पर विचार करें, संतों महात्माओं की वाणी को सुने और अपने जीवन को सुधार करने का प्रयास करें। मंत्री जी, अभी बात महाराज जी कहा करते थे, अब भाई पूरे संसार में राजा वही भाग्यवान जो सत का पालन करते हुए प्रजा से कराए और सत का, सत की पूजा करे। साथ में जैसे कबीर साहब की बात आती है, तो आज कबीर साहब का प्रकट दिवस है, तो हम कबीर साहब पे ही बात करेंगे। कबीर साहब ने सत्य के आधार से ही, यानी कि सभी धर्म प्रचारक जितने भी थे, पाखंड थे, उनको यानी कि वो बताया, बिसराया। कबीर साहब की बात को बिसराने वाला हिंदुस्तान या वर्ल्ड में कोई हुआ नहीं विश्व में। तो महाराज जी, इंद्रमणि महाराज जी का एक ही कथन था, अब भाई राजा वही भगवान जो सत की पूजा करे, तो इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, संत कबीरदास जी जो थे मानवता के प्रतीक थे, वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने धर्म, जाति, इन सबसे ऊपर उठकर मानवता का अच्छा जीवन जीने का एक संदेश दिया। तो हमें अपने जीवन में सभी को मिलकर उसका एक प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, पाखंडता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति जीवन में आया है वो सरलता से अपना जीवन जिए, सत्य के मार्ग पर चले, हमेशा सत्य की जीत हुई है। तो हमारे जो संत कबीर दास जी हैं, उनके प्रकाश उत्सव पर उनके आज जो हैं दोहे पूरे देश और दुनिया में एक मार्ग दिखाते हैं, सत्य का मार्ग दिखाते हैं। और हम लोग भी उनके आज प्रकट उत्सव के मौके पर ये अपना प्रण लें कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमेशा समाज सुधार की बात करें, और विशेष तौर से जो सामाजिक बुराइयां, मैं कहना चाहूँगी बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं आज, जैसे कन्या भ्रूण हत्या जैसी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं का, सभी का हम लोग जो है आदर मान करते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण करें। मैं समझती हूँ सच्चे मन से हम गुरु हमारे कबीर दास जी को याद करेंगे, अगर हम उनके दिखाए हुए सत्य के मार्ग पर चलेंगे, समाज के सुधार की बात करेंगे और मानवता की बात करेंगे। तो ये थी हमारे साथ में पूर्व मंत्री। टीवी इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ उमेश सत साहेब की रिपोर्ट, हरियाणा।